अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमल किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कैरमल खीर। ये बहुत मज़ेदार होती है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलें मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मेरे पास दूध है 1 लीटर, चावल बासमती चावल हैं, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे, और ये हैं मेरे पास 1/4 कप। ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने पिस्ता, बादाम और अखरोट ले लिए हैं। आपकी मर्जी है, आपको कुछ और ऐड करना है तो वो भी डाल सकते हैं। पाउडर मिल्क है 150 ग्राम, चीनी है 1 कप और पानी मैंने 1/2 कप ले लिया है। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध को बॉयल होने तक पकाना है। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। दूध में बॉयल आने लगा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि चावल जो है इसको आप मोटा मोटा सा पीस भी सकते हैं, उससे ये होता है कि आपको ये ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता। तो ये मैंने हल्का हल्का सा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, मोटा मोटा पीसना है। तो अब इसमें ये मैं डालने लगी हूँ। और इसको अब गाढ़ा होने तक पकाते रहना है। जब तक ये पक रहा है तो अब हम कैरमल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको तो अभी टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट तक इसको मुसलसल पकाते रहना है। कैरमल तैयार करने के लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ये चीनी डाल देंगे और बिल्कुल इसको इसके स्लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखें, चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है। तो अब इसमें ये जब पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए चीनी, तो अब आपने इसमें 1/2 कप पानी डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितने अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया। लेकिन अब इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये फ़ौरन इसमें एक कड़वाहट आ जाती है अगर ज़्यादा हम पकाएं, और इसका कलर भी बहुत डार्क हो जाता है। तो अब इसको हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और फिर दूध, देखें हमारा ये गाढ़ा हो रहा है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। और साथ साथ डाल दूंगी इसमें पाउडर मिल्क। और इसमें आप ये कैरमल को हम आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। और इसको सिर्फ 5 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको अब हम डिश में निकाल के ठंडा कर लेंगे। खीर तो हमेशा ठंडी अच्छी लगती है। ये देखें ये कैरमल खीर बिल्कुल तैयार है। आप ट्राई करें, दावतों में घर में बनाएं, बहुत मज़ेदार सी ये बनती है खीर। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें हमने कोई इलायची पाउडर या कोई एसेंस नहीं डाला है क्योंकि इसके जो कैरमल का जो टेस्ट है वही बहुत ज़बरदस्त सा होता है। आप ट्राई करें और अपना फीडबैक देकर मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।